सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। वैसे तो यार आप सबको पता होगा मैं टू नट अपडेट की वीडियो कुछ टाइम से बना नहीं रहा हूँ, लेकिन यार अपडेट ही कुछ ऐसा है कि मुझे आज का टू नट अपडेट वीडियो बनाना पड़ा। आप लोग बोल रहे थे ना कि भाई रैम्पेज इवो बंडल कब रिटर्न में आएगा, कन्फर्म डेट बताओ भाई, किस इवेंट में आएगा। यार इतने सारे तुम क्वेश्चन पूछते थे ना, लेकिन अब इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। फाइनली गाइस, जोरदार एंड खतरनाक एंट्री के साथ कल अपने गेम में आने वाला है रैम्पेज रिंग इवेंट। इवेंट का आप लोग ऑफिशियली बैनर देख सकते हो जो कल सुबह 4 बजे अपने गेम में अवेलेबल हो जाएगा। और यार ये इवेंट कोई और इवेंट नहीं बल्कि रहेगा अपना रिंग इवेंट, जिसका आप लोग रिव्यू देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको इस रिंग इवेंट के अंदर अपना रैम्पेज का लेजेंडरी इवो बंडल नजर आने वाला है, जो कि आप सबका फेवरेट है। फिर इसके बाद रहेगा अपने रैम्पेज इवेंट 2022 का बंडल, अपना नेबुलर रोग बंडल, जो कि आप लोग देख सकते हो। फिर इसके बाद नजर आएगा हमारा स्ट्रोमो ब्रिंगर बंडल, जो कि आप लोग देख लो गाइस, ये भी काफी तगड़ा बंडल है क्योंकि इसके पीछे हमें ड्रैगन का इफेक्ट मिल जाता है। आपको पता होगा गाइस, ऐसा ही एक ड्रैगन का इफेक्ट वाला अपना अराइवल एनिमेशन भी आने वाला है, ठीक है? तो भाई इसका सेम टू सेम कॉपी ही है। बाकी गाइस, यहाँ पे अपना रैम्पेज का इवो बंडल नजर आएगा, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया है ना। तो भाई ये इस इवेंट का सबसे मेन रिवॉर्ड रहने वाला है। और हाँ गाइस, इससे निकालने के लिए ज्यादा डायमंड लगेगा। फिर इसके बाद नजर आएगा अपना सबर टूथ बंडल, जो कि आप लोग देख लो, इसके पीछे भी भाई बहुत ही अच्छा खासा टाइगर का इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। इस बंडल को भी आप लोग निकाल सकते हो क्योंकि इसका जो टी शर्ट है ना वो खतरनाक है। और यार ये वाला टोकन, इस टोकन विल का मेन टोकन होगा, जिससे आप लोग बंडल को एक्सचेंज कर पाओगे। अब बात करते हैं कि इस टोकन विल के अंदर हमारे कितने डायमंड लगेंगे। तो देखो गाइस, हर बंडल के अलग अलग टोकन प्राइस रहेगी। टोकन विल का मेन रिवॉर्ड अपना रैम्पेज का इवो बंडल है, तो इसका जो टोकन प्राइस है ना वो सबसे ज्यादा हाई रहेगा। अगर आपका इरादा सिर्फ रैम्पेज इवो बंडल को निकालने का है ना, तो फिर तो गाइस आपके आराम से 4-5 हजार डायमंड तो लग ही जाएंगे। 4-5 हजार डायमंड इसलिए क्योंकि ये कोई नॉर्मल बंडल नहीं है, ठीक है गाइस, और ना ही तुम्हें इससे अपग्रेड करना है। तो इसीलिए घर है ना, इसे निकालने के लिए भाई तुम्हारे बहुत ही ज्यादा डायमंड काटने वाला है। और आपको पता होगा भाई, डायरेक्ट स्पिन करके तो निकलेगा नहीं है ना, तो इसीलिए गाइस ये जो गरेना है ना वो क्या करेगा भाई, आपको ज्यादातर टोकन ही देगा। और मेरे ख्याल से भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि टोकन भी ज्यादा नहीं देगा है ना, स्पिन करने के बदले में कभी 5 देगा तो कभी 2 देगा कभी 1 देगा, ज्यादा टोकन भी नहीं देगा। तो इसीलिए अगर आपको रैम्पेज का इवो बंडल निकालना है ना, तो फिर से भाई आपके 4-5 हजार डायमंड तैयार रखना, ठीक है, क्योंकि इतने डायमंड तो लगे जाएंगे। बाकी अगर आपका लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो इससे कम भी लग सकते हैं, लेकिन यार इतने डायमंड तो तैयार ही रखना। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट के अंदर बताओ कि कौन कौन रैम्पेज इवो बंडल को निकालने वाला है। अगर तुम्हें अपनी न्यू इवो कटाना की स्किन के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, और अगर हमारे फ्री फायर के अपकमिंग इवेंट के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।